आपका हमारे चैनल पे स्वागत है और हम आपको बताएंगे कि बीमा आखिर किन चीज़ों का होता है। देखिए, इंश्योरेंस बीमा का मतलब एक ऐसी व्यवस्था से होता है जिसमें कोई बीमा कंपनी आपके किसी भी नुकसान, बीमारी, दुर्घटना या मृत्यु की स्थिति में आपकी आर्थिक सुरक्षा देती है। आमतौर पर हम मानते हैं कि बीमा सिर्फ हमारे जीवन का और हमारी कार का ही होता है, लेकिन ये बात पूरी तरह से सच नहीं है। आजकल इंश्योरेंस कंपनियां घर से लेकर ट्रैवलिंग तक के लिए इंश्योरेंस की सुविधा उपलब्ध करवाती है, जैसे होम इंश्योरेंस है। आमतौर पर लोग घर को खरीदने में तो लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, लेकिन वो उसका इंश्योरेंस नहीं कराते हैं। ऐसा इसलिए भी हो सकता है कि लोगों को इसकी पर्याप्त जानकारी नहीं होती है। कुछ इंश्योरेंस कंपनियां इसकी सुविधा देती है। होम इंश्योरेंस आमतौर पर भूकंप, आसमानी बिजली, तूफान, बाढ़ इत्यादि प्राकृतिक आपदाओं के कारण प्रॉपर्टी और उसमें रखे सामान को होने वाले नुकसान का कवरेज देती है। बहुमूल्य वस्तुओं की चोरी होने पर भी इंश्योरेंस में उसे कवर किया जाता है। एक्सपर्ट्स की यदि माने तो आज के समय में होम इंश्योरेंस पॉलिसी लेना घर के मालिकों के लिए काफी जरूरी होता है। आमतौर पर इस तरह की बीमा पॉलिसियों में दो श्रेणियों को कवर किया जाता है, पहला बिल्डिंग स्ट्रक्चर और दूसरा घर का कीमती सामान। यानी अगर किसी प्राकृतिक आपदा में आपके घर के स्ट्रक्चर को कोई नुकसान होता है तो उसमें आने वाले खर्चे, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की बात कर रहे हैं, खर्चे की अधिकांश भरपाई इंश्योरेंस कंपनी की ओर से की जाती है। वहीं अगर आपने अपने घर के कीमती सामान, मसलन होम अप्लायंस, पोर्टेबल इक्विपमेंट, सेलफोन, लैपटॉप, टीवी को भी कवर करवा रहे हैं, तो आगजनी, चोरी और सेंधमारी के बाद आपको ज़्यादा वित्तीय नुकसान नहीं उठाना पड़ता है। होम इंश्योरेंस पॉलिसी में प्राकृतिक आपदाओं से हुए नुकसान, चोरी और सेंधमारी से सुरक्षा मिलती है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि कुछ बीमा कंपनियां किराए के घर में भी आपके बहुमूल्य सामान को कवर करती है। वहीं उन्होंने ये भी बताया कि पैकेज पॉलिसी लेना ज़्यादा फायदेमंद रहता है, क्योंकि इसमें बिल्डिंग के साथ साथ घर के सामान और अन्य अहम चीज़ों को कवर करने की सुविधा दी जाती है। मोबाइल इंश्योरेंस तो आपको पता ही है, जब मोबाइल खरीदने जाते होंगे तो इंश्योर किया जाता है। थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन मोबाइल का भी इंश्योरेंस होता है। किसी भी अन्य बीमा उत्पाद की तरह मोबाइल फ़ोन बीमा जोखिम कवर प्रदान करता है। इस तरह के मामलों में इंश्योरेंस आपको फ़ोन खोने, चोरी और नुकसान जैसी स्थितियों के लिए जोखिम कवर प्रदान करता है। इस तरह के बीमा को गैजेट खरीदने या बिलिंग के दिन से अधिकतम 5 दिन की अवधि के भीतर खरीदा जा सकता है। इंश्योरेंस का प्रीमियम गैजेट के मूल्य पर निर्भर करता है। यह कवर पीरियड सामान्य तौर पर 1 साल के लिए होता है, लेकिन बाजार में कुछ ऐसे बीमाकर्ता भी हैं जो 2 साल के लिए भी कवर प्रदान करते हैं। अभी इन स्थितियों में बीमा का फायदा क्या होता है? एक्ट ऑफ गॉड होता है। हड़ताल या दंगा के दौरान नुकसान या चोरी में फ़ायदे मिलते हैं। चोरी और हाउस ब्रेकिंग के मामले में फ़ायदा मिल जाता है। आग, बिजली और विस्फोट से होने वाले नुकसान में आपको फ़ायदा मिलता है। व्यक्तिगत लापरवाही के परिणाम स्वरूप होने वाले नुकसान, जैसे कि खोना, भूल जाना, भूल गए, कहीं छोड़ देना, गायब हो जाना या फिर कहीं गिर जाना। चोरी की कोशिश से होने वाली हानि, भारतीय क्षेत्र के बाहर हुआ कोई भी नुकसान, जानबूझकर उपेक्षा के कारण नुकसान, गलत इंस्टॉलेशन और गलत सेटअप के कारण होने वाले नुकसान पर, साइबर हमले, आतंकवादी गतिविधियों और घृणित गतिविधियों के दौरान हुए नुकसान पर जो फायदा है वो भी आपको मिल जाता है। अब एक चीज़ हम आपको और बता देते हैं, और वो ये है कि कौन कौन सी कंपनियां बीमा देती है। काफ़ी सारी बीमा कंपनियां थर्ड पार्टी सेवा प्रदाताओं के माध्यम से मोबाइल गैजेट बीमा प्रदान करती है। बजाज अलायंस, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी और न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी इस सेवा की पेशकश करने वाले कुछ प्रमुख नाम हैं। वहीं थर्ड पार्टी के अलावा सिस्को गैजेट्स, बिस्कोट गैजेट कॉप्स, इन्फीशील्ड, वारंटी बाजार, एप्स डेली और ऑनलाइन पर भी संपर्क किया जा सकता है। फिर है ट्रैवल इंश्योरेंस। ट्रैवल इंश्योरेंस एक विशेष प्रकार का इंश्योरेंस होता है, जो कि यात्रा के दौरान, वो चाहे देश के भीतर हो या बाहर हो, यात्रा के दौरान
मेडिकल खर्चों, ट्रिप कैंसिल होने पर, सामान खोने, फ्लाइट के दुर्घटनाग्रस्त होने या अन्य नुकसान की सूरत में आपको सुरक्षा प्रदान करता है। ऐसे में यात्रा के दौरान आने वाली तमाम परेशानियों से बचने के लिए ट्रैवल इंश्योरेंस एक बेहतर विकल्प है। यह न सिर्फ आपको सफ़र में आने वाली तमाम मुसीबतों से बचाता है बल्कि रास्ते में होने वाली समस्याओं में हुए नुकसान की भरपाई भी करता है। अब मुद्दा ये है कि क्या आपको ट्रैवल इंश्योरेंस की ज़रूरत है? अगर आप यूरोपीय देशों या अन्य किसी खास देश में छुट्टियां बिताने जा रहे हैं तो आपके लिए ट्रैवल इंश्योरेंस लेना ज़रूरी है। शॉर्ट डोमेस्टिक ट्रिप में इस तरह के कवर की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन अगर आप लंबे टूर पर जा रहे हैं तो चोरी और ट्रिप कैंसिलेशन का कवर ले सकते हैं। अगर आपके मौजूदा मेडिकल इंश्योरेंस में विदेश में इलाज का कवर है, होम इंश्योरेंस में ट्रैवलिंग के दौरान आपके सामान का बीमा है और आपके पास पर्सनल एक्सीडेंटल कवर है तो आपको ट्रैवल इंश्योरेंस लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास ये सभी इंश्योरेंस नहीं है तो फिर आप ट्रैवल इंश्योरेंस लीजिए। अभी कितना कवर लेना चाहिए? यदि आप जानकारी की माने तो ये आपकी ट्रैवल कॉस्ट का 4-8% होना चाहिए। इंश्योरेंस कंपनियां आमतौर पर कई कैटेगरी के तहत फिक्स्ड ऑप्शन देती है। इसकी रेंज 15,000 से लेकर $50,000 तक होती है, जो यात्रा की अवधि, बेनिफिट्स और ट्रैवल से जुड़े एरिया पर निर्भर करती है। अभी आवेदन कब करना चाहिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ट्रैवल इंश्योरेंस पॉलिसी की अवधि बढ़ाने के लिए आवेदक मौजूदा ट्रैवल पॉलिसी की कवरेज समाप्त होने से पहले किया जाना चाहिए। मौजूदा पॉलिसी की अवधि समाप्त होने से 7-10 दिन पहले एक्सटेंशन करवाना बेहतर रहता है। इतना ही नहीं, पॉलिसी होल्डर इसे यात्रा के दौरान भी एक्सटेंड करा सकते हैं। इसके लिए उसे केवल इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत होती है। फ़ायदे जो हैं वो भी बहुत अच्छे खासे हैं। यात्रा के दौरान अगर किसी की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है तो उस स्थिति में भी ट्रैवल इंश्योरेंस की पॉलिसी में तय कवरेज के हिसाब से आपके परिजनों को मिलती है। ट्रैवल इंश्योरेंस के कई प्रकार होते हैं। डोमेस्टिक ट्रैवल इंश्योरेंस, अंतर्राष्ट्रीय यात्रा बीमा, कॉरपोरेट ट्रैवल इंश्योरेंस, छात्र यात्रा बीमा, वरिष्ठ नागरिक यात्रा बीमा, परिवार यात्रा बीमा, सबका अपना अपना फ़ायदा है। तो धन्यवाद, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।